वेलकम बैक गाइस, फाइनली आ चुका हूं आप सभी लोगों को लेकर नए इंटरेस्टिंग वीडियो से बात करने वाले काफी सारे इवेंट्स अपडेट्स के बारे में। इंक्लूडिंग मैं आपको अपडेट दूंगा टूर्नामेंट अपडेट को लेकर, उसके साथ आप लोगों को फ्री फायर के आने वाले दिनों में कैसे कैसे नया नया इवेंट को मिलने वाले, तो वह सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं कि रात 12 बजे में फ्री फायर क्या कुछ है, उसके साथ आप लोग फ्री फायर के अपडेट से कौन कौन सा न्यू इवेंट को मिल जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं आप सभी को सबसे पहले जानकारी दूंगा अपने नेक्स्ट इंक्यूबेटर को लेकर, आप लोग अपने इंडिया को नेक्स्ट इंक्यूबेटर कौन सा देखो मिलेगा। राइट नाउ चल रहा है ये वाला इंक्यूबेटर, तो इसके बाद कौन सा इंक्यूबेटर आएगा इसकी जानकारी मैं सबसे पहले दूंगा, दिखाऊंगा बताऊंगा कैसा टाइप का इनक्यूबेटर आने वाला है इंडियस स्क्वाड, सो बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस यहां पे अपना जो M18 का स्पिन इवेंट आने वाला था अपने इंडियस स्क्वाड, उसके लिए को ग्रेन ने यहां पे थोड़ा सा चेंजेस वगैरह किया है, तो गाइस कैसा चेंजेस वगैरह हुआ है उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले दूंगा। बहुत से आप लोग देखो मिलेगा अपना रेट ऑफ M18 का इवेंट देखो मिलेगा, तो गाइस कैसा टाइप का इवेंट होने वाला है, उसके अंदर आप लोग कौन-कौन सा अपना सॉर्डन का रिटर्न बैग है देखो मिलेगा उसकी जानकारी मैं सबसे पहले दूंगा। न्यू ग्लिच को लेकर मैं आपको थोड़ा सा अपडेट वगैरह दूंगा, उसके साथ आप लोग कोबरा M40 का रिटर्न बैग फिर भी कब देखो मिलेगा उसकी जानकारी दूंगा, पोस्ट पर डेट वगैरह क्या होगा अपने इंडियस स्क्वाड, उसके साथ आप लोग फ्री फायर का एनिवर्सरी इवेंट आप लोगों को जल्दी देखो मिलेगा, तो एनिवर्सरी इवेंट के पास काफी सारा अपडेट बड़ा आया है उसकी जानकारी सबसे पहले दूंगा भाई। कैसा टाइप का अपना एनिवर्सरी इवेंट होगा उसके अंदर आप लोगों को कैसा टाइप का मतलब आप लोगों को सीन देखने को मिलेगा, बहुत सारे आप लोग आइटम रिवॉर्ड आप लोगों को कौन कौन सा देखो मिलेगा उसकी जानकारी सबसे पहले दूंगा। उधर गाइस आप लोगों को न्यू एनिमेशन कौन सा देखो मिलेगा, प्लस अपना न्यू आप लोगों को स्काइविंग का सीन कौन सा देखो मिलेगा उसकी जानकारी मैं सबसे पहले दूंगा भाई। आप लोगों को इस वीडियो में काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो भाई इसी बात पे वीडियो को फटाक से लाइक करो मेरे भाई, साथ ही चैनल पे पहली बार तो मेक श्योर आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जोर से सेट करके रखना, इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन आप सभी के रेगुलर रात को 8 बजे आता रहता है, सो जोर से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जोर सेट कर लेना, एंड चलिए बिना किसी देरी के बिना आप लोग का वर्क करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो की स्टार्टिंग में वीडियो का पहले टॉपिक होने वाला है कि आप लोग को अपनी इंडेक्स को न्यू स्काइविंग कौन सा देखो मिलेगा, उसके साथ आप लोग को न्यू एनिमेशन कौन सा देखो मिलेगा। सो आप लोग को जो नेक्स्ट वेव देखो मिलेगा आई थिंक अपना बैटल स्टार के थीम पर बेस्ड होने, उसके अंदर आप लोग को मिल जाएगा दो तो आइटम रिवॉर्ड जो कि ब्रांड न्यू होने वाला है। गन फ्री फायर ऑफिशियल की तरफ से लीक्स निकल के आ रहा है कि आप लोग को कुछ ऐसा टाइप का वेव देखो मिल जाएगा जल्दी अपने फ्री फायर के अंदर, जिसके अंदर गाइस आप सभी को देख को मिल जाएगा अपने एक न्यू स्काइविंग का स्किन जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा ओपी लेवल का होने वाला है। आप लोग देख सकते हो आई थिंक यहाँ पे किस टाइप का होने वाला है, ये आप लोगों को बादल के थीम पर भी देख को मिलेगा। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कैसा टाइप का आइटम रिवॉर्ड होने वाला है, उसे आप लोगों को सेकंड आइटम रिवॉर्ड इसके अंदर मिल जाएगा अपना न्यू एनिमेशन देखो मिल जाएगा जो कि अपने बादल के थीम पर बेच मिला न्यू एनिमेशन यहाँ पे काफी ज्यादा ओपी लेवल का देखो मिल जाएगा आप सभी को। सो आप देख सकते हो आप लोग दोनों का आइटम रिवॉर्ड आई थिंक यहाँ पे काफी ज्यादा ओपी लेवल का होने वाला है, बाकी भाई आप लोग निकालोगे फिर मुझे कमेंट करके जो है ना आई थिंक आप लोग को दग लेगा लग जाएगा भाई, यहाँ पे 700 से 800 डायमंड लग जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला फ्री इवेंट आप सभी को करीब यहाँ पे 5 से 6 दिन के अंदर अपने फ्री फायर के अंदर आप सभी को अवेलेबल करा देगा। सो भाई मैं आप लोगों को बता दूँ कैसा टाइप का अपडेट होने वाला है, उसके साथ बढ़ते अपने सेकंड इवेंट अपडेट की तरफ, आप लोगों को रेट ऑफ इवेंट देखो मिलेगा जो कि अपना M18 का ब्रांड न्यू आप लोग को, जिसमें काफी सारा आप लोग को रिटर्न बैक गन्स के देखो मिलेगा, इनके ऊपर आप लोग सबसे पहले देखो मिल जाएगा अपना इवेंट का इंटरफेस कुछ ऐसा टाइप का होने वाला है आई थिंक आप लोग देख सकते हो, एंड इसके अंदर आप लोग को मिल जाएगा अपना M18 का काफी सारा आप लोग को लेजेंडरी गन्स देखो मिल जाएगा, खासकर अपना जो एलिमेंटल M18 था वो यहाँ पे काफी ज्यादा आप लोग देखो मिल जाएगा चारों को चारों गन्स के। सो आप लोग देख सकते हो इवेंट का इंटरफेस बड़ा कैसा होने वाला है, आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को काफी ज्यादा डायमंड्स लगने वाला है, बट अभी के टाइम पर यहाँ पे काफी सारे बंदे इस वाले गन्स को फ्री में ले रहे हैं, बट काफी सारे बंदे यहाँ पे कम डायमंड्स में निकाल रहे हैं क्योंकि भाई इसको लेकर काफी ज्यादा ग्लिच वगैरह चल रहा है आज के टाइम के ऊपर, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा भाई आप लोग ग्लिच यूज करो क्योंकि यहाँ पे ग्लिच की वजह से ग्रेनर ने अपना ये वाला इवेंट को पोस्टपोन कर दिया, डाटा माइनिंग की तरफ से ऑफिशियल यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है कि काफी सारे यहाँ पे यूट्यूबर्स एंड काफी सारे बंदे ने यहाँ पे ग्लिच यूज करके भाई इस वाले स्किन को भाई फ्री में निकाला है, काफी सारे बंदों ने कम डायमंड्स में निकाला है, तो यहाँ पे ग्लिच की वजह से गरीना ने इस वाले इवेंट को पोस्टपोन कर दिया है। आप सभी को अपना ये वाला इवेंट है ना OB35 अपडेट के बाद ही देखो मिलेगा, जैसे कि अपने एंजेलिक पेंट के साथ हुआ था आप सभी को अच्छे तरीके से, काफी सारे बंदे फ्री में ले रहे थे भाई, लेकिन यहाँ पे ग्रीना को पता लगा तो वैसे वापस ले लिएगा जो भी बंदे को फ्री में लिए थे। सो अपने इंडियन सर्वर साथ ही ऐसे हो रहा है जिन भी बंदों ने फ्री में लिया है इस वाले गन्स में काफी सारे बंदों ने कम डायमंड्स में लिया है, सो उन लोगों से वापस ले लिया जाएगा, उन लोगों के डायमंड्स वगैरह वापस यहाँ पे रिटर्न कर दिए जाएंगे उन लोगों को, बाकी मैं बताऊंगा भाई रिकमेंड आप सभी को मैं नहीं करूंगा भाई ग्लिच यूज करो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे ग्लिच की वजह से यहाँ पे जो भी इवेंट अपने इंडिया में आने वाला होता है उसको ग्रीना पोस्टपोन कर देता है। पोस्टपोन क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीना चेक करता रहता है भाई कौन कौन से बंदे यहाँ पे फ्री में निकाले, सो यहाँ पे उनको आईडी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन वगैरह भी लगा देता है, आप लोगों को बता के रख दिया मैंने। बाकी गाइस ये सुनने के बाद आप लोग में से काफी सारे बंदों को मैंने सोच रहे भाई यहाँ पे ट्रॉपिकल प्रेड जो अपना M87 स्किन है ये यहाँ पे रिटर्न आएगा या फिर नहीं आएगा, फिर अपना ये भी अपना स्किन का इवेंट जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा। सो ना आप लोग यहाँ पे नोटिस किया होगा कि अपना जो ये वाला इवेंट है ना रेट ऑफ इवेंट, इसमें अपना सॉर्डन का M87 का ट्रॉपिकल पैरेट नहीं है, आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया होगा तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है अपना जो M87 का ट्रॉपिकल पैरेट है वो यहाँ पे रिटर्न आएगा जाएगा, क्योंकि बर्न स्पॉट ऑलरेडी आ चुका है, अपने M87 आने का काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटीज है। सो आप देखो मिल जाएगा अपना कुछ M87 का अपना ऐसा टाइप का इवेंट स्किन बोल सकते हो आप लोग स्पिन इवेंट आप सभी को देखो मिल जाएगा, सो यहाँ पे काफी अच्छा बात हो जाएगा। बाकी बस यहाँ पे आप लोग ग्लिच यूज किए सो यहाँ पे अपना ये वाला इवेंट तो पोस्टपोन हो गया, नहीं तो गाइस काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज था कि अपना इसी इवेंट में अपना ट्रॉपिकल पैरेट आने वाला है।
पॉसिबिलिटी तो है कि अपना इसी महीने के अंदर आप सभी को अपना ट्रॉपिकल पेरेट रिटर्न देखो मिल जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पे आप लोगों को पता है ग्लिच हो गया है, तो यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा टाइम वर्डर लग सकता है इस वाले अपना इवेंट को आने में, ट्रॉपिकल पेरेट को रिटर्न आने में अपना इस महीना में थोड़ा सा टाइम वर्डर लग सकता है क्योंकि ग्लिच हो चुका है, ठीक है। बाकी अगर पहले भी आ जाएगा तो गाइस काफी अच्छा बात हो जाएगा। बाकी मैं आपको बता दे क्या होगा ना क्या नहीं होगा, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को मतलब लंबा तरीके से बताया, लेकिन आई थिंक आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे भाई सारे सारे यहाँ पे आप लोगों में डोबी डाउट्स वगैरह थे, आई थिंक आप लोग समझ गए। सो गाइस बट नेक्स्ट वीडियो अपडेट की तरफ कि आप लोगों को अपने इंडेक्स को नेक्स्ट इनक्यूबेटर कौन सा देखो मिलेगा, कौन सा इनक्यूबेटर रिटर्न का सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज वगैरह अपने इंडेक्स को बढ़ा। सो राइट नाउ चल रहा है अपना ईवल इनक्यूबेटर, जिससे कि आप लोग देख सकते हो कि आई थिंक यहाँ पर गणित इनक्यूबेटर है। तो फिर जो अपना नेक्स्ट इनक्यूबेटर होने वाला है वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अपना बंडल का इनक्यूबेटर आप सबको देखो मिलेगा। काफी ज्यादा यहाँ पे अपडेट निकल कर डाटा माइनर की तरफ से कि आप लोग को बंडल के इनक्यूबेटर के अंदर ये वाला इनक्यूबेटर देखो मिलेगा, जो कि आई थिंक यहाँ पे काफी ज्यादा थोड़ा सा अच्छा इनक्यूबेटर होने वाला है। बाकी इनक्यूबेटर तो उतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन आई थिंक अपना ये वाला इनक्यूबेटर काफी ज्यादा आप लोग को अच्छा टाइप का मिलेगा। सो आप लोग देख सकते हो कैसा टाइप का उसमें बंडल देखो मिलेगा, यहाँ पे सारे सारे बंडल्स का आप रिव्यू भी देख सकते हो। सो आई थिंक आप लोगों को इनक्यूबेटर पसंद आएगा भाई, इनक्यूबेटर आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट करके, आप सबको अपना एनिवर्सरी इवेंट कब से स्टार्ट देखो मिलेगा। तो बस अभी के टाइम पर आप लोग अपना फ्री फायर खोल के न्यूज वाले सेक्शन में जाओगे तो बस वहाँ पे आप लोगों को न्यूज देखने को मिलेगा, या फिर आप लोग ऐसा बोल सकते हो आप लोगों के लिए ग्रीन एक अनाउंसमेंट भेजा है कि आप लोग कल के टाइम पर देखो मिलेगा एक छोटा सा अपडेट, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कल के टाइम पर आप लोगों को कुछ बोल सकते हैं यहाँ पे ओबी अपडेट है, मुझे एक्चुअल पता नहीं लगा क्योंकि भाई ओबी अपडेट तो गोल्ड रोल के साथ आता है, लेकिन गोल्ड रोल तो भाई अभी करीब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम है जाने में। बट यहाँ पे देख सकते हो आप लोग यहाँ पे लिखा गया कि भाई सुबह से लेकर शाम तक अपना कुछ यहाँ पे मेंटेनेंस चलेगा, जो कि आई थिंक अपना ओबी अपडेट होने वाला भाई, कल ओबी अपडेट है, मुझे तो थोड़ा सा मतलब अलग मतलब लग रहा है भाई, क्योंकि ओबी अपडेट कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई पहले आ जाता है, लेकिन भाई कल के टाइम पर आ रहा है ना ये ओबी अपडेट, पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई ये जो ओबी अपडेट है ना इसके बाद ना फ्री फायर वापस आ जाएगा। सो गाइस देख सकते हो आप लोग भाई यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है अनाउंसमेंट है, सो गाइस मैं आप लोग को बता दिया। बाकी गाइस आप लोग अपने फ्री फायर खोल के न्यूज़ वाले सेक्शन में जाके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। बाकी गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज वगैरह है कि अपना ये है ना ओबी अपडेट होने वाला है, मेंटेनेंस होने वाला है, सो आप लोग देख सकते हो। बाकी गाइस मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि अपना ये एक्चुअल मेंटेनेंस अपडेट है कि भाई क्या अपडेट है, मुझे एक्चुअल पता नहीं लगा भाई, आप लोग को भी थोड़ा सा अलग टाइप का लगेगा क्योंकि ओबी अपडेट तो भाई अपना गोल्ड रोल के साथ आता है। बाकी गाइस आप लोग न्यूज़ वाले सेक्शन में पढ़ लेना भाई क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ बड़ा ही होने वाला है, ऐसा भी हो सकता है ना ओबी अपडेट ही होना, ओबी अपडेट के बाद आई थिंक आप लोगों को जो देखो मिलेगा अपने एनिवर्सरी इवेंट के थीम पर भी देखो मिल जाएगा। तो गाइस मे बी पॉसिबिलिटी है कि अपना जो ये वाला अपडेट होने वाला है अपना अनीता स्पेशल थीम पर बेस्ड होने वाला, मतलब अपना ये वाला अपडेट जो होगा वो अपना अनीता थीम पर बेस्ड होगा। इस अपडेट के बाद हो सकता है पॉसिबिलिटीज है कि अपना अनीता स्पेशल का कैलेंडर वाला आ जाए, इवेंट वाला आ जाए, तो गाइस मैं आप लोगों को अपडेट कर दिया। बाकी गाइस मैं आप लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च वगैरह करके थोड़ा सा मैं आप लोगों को कल वाले अपडेट कर दूंगा, ठीक है। गाइस अगर आप सभी को जानना है कि अपना कोबरा इन्फोटेक का फीड भी कब आएगा अपने इंडियन स्क्वाड, सो आप लोगों ने क्या करना है भाई, मेरी कल वाली वीडियो आप लोगों ने जरूर से देख लेना, उसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होगा कोबरा इन्फोटेक कब आएगा अपने इंडियन स्क्वाड, तो आप लोगों ने जरूर से देख लेना, ठीक है। बाकी गाइस बात करें मेन टॉपिक का, आप सभी को आजाद 12 बजे क्या को देखने को मिलेगा एंड आज का टूर्नामेंट अपडेट क्या होने वाला है, तो बस आजाद 12 बजे आप सभी को अपने फ्री फायर है ना, वैसे टाइम कुछ भी कन्फर्मेशन अपडेट मेरे पास नहीं है, लेकिन अपना जो ये वाला मोको स्टोर चल रहा है ग्लोबल प्लस अपना कटाना स्किन का जो मोको स्टोर चल रहा है आजाद 12 बजे को चला जाएगा, उसी तरह हो सकता है कल के टाइम पर अचानक से कोई इवेंट आप लोग दे सकते हैं जो कि अपने पेंडिंग में पड़ा हुआ है। मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बताया था अपना रात 12 बजे अपना कोई पेंडिंग इवेंट आ जाएगा, जो कि अपना ये वाला इवेंट था तो आज आ गया, तो ऐसे ही हो सकता है आप लोग ग्रीन यहाँ पे कोई पेंडिंग इवेंट जो पड़ा हुआ आप लोग को ग्रीन अचानक से भी दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अचानक से। बाकी मेरे पास कन्फर्मेशन टू नाइट अपडेट होता है तो मैं आप लोग अपडेट कर देता। बाकी यहाँ पे जितना भी अपडेट्स हो रहा था आई थिंक मैंने आप लोग क्लियरली बताया, आई थिंक आप लोगों को समझ भी आया होगा एंड वीडियो देख के मजा भी आएगा, वीडियो देख के मजा आए वीडियो समझ आए भाई कमेंट करके बताया वीडियो कैसा लगा। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट करते वीडियो कैसा लगा, एंड मैं तो किसी और शानदार टॉपिक के साथ किसी और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।